बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस सीजन 13 के खत्म होने के बाद भी इसके कुछ कंटेंडर्स हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खास हैं देवोलीना भट्टाचार्य जी, सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई और अरहान खान। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में देवोलीना भट्टाचार्य जी को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, उन्होंने अपनी एक पोस्ट में इस बात का खुलासा किया। यहाँ पर ना सिर्फ देवोलीना भट्टाचार्य जी को धमकी मिली है बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई को भी इसमें इंक्लूड किया गया। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला को भी यहाँ पर जान से मार देने की धमकी दी गई है, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर रश्मि देसाई के साथ पहले उनके लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जहाँ पर रश्मि देसाई को सपोर्ट करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला और अरहान खान के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहाँ पर सिद्धार्थ ने अरहान के कपड़े तक फाड़ दिए थे। और इन सब चीजों की नाराजगी के साथ ही साथ हाल ही में अरहान खान को लेकर बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं, उन्हें फ्रॉड बताया जा रहा है। और अब इस बीच में उनकी एक फैन का मैसेज देवोलीना भट्टाचार्य जी को, जिसमें उन्होंने इन तीनों को ही जान से मार देने की धमकी दी है। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने ना सिर्फ ये अपने फैंस के साथ साझा किया बल्कि इस पर मुंबई पुलिस को एक्शन लेने की भी बात कही। देवोलीना को धमकी देते हुए उन्होंने कहा, आप बार बार में अरहान की इंसल्ट कर रही हैं और जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रही है, एक बात याद रखना, ना आपकी और ना उन दोनों की लाशें भी किसी और को नहीं मिलेगी। मैं रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रही हूँ। आज के बाद अपना मुंह बंद रखना। आइंदा अगर आपने अरहान के खिलाफ बात की तो वो आपका आखिरी दिन होगा। आपको बता दें कि देवोलीना भट्टाचार्य जी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि रश्मि और अरहान की बढ़ती नजदीक या देवोलीना को पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने इसे लेकर रश्मि को कई बार चेताया भी था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।